प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। प्रार्थना करें। भाई राजेंद्र शुरू में प्रार्थना जब कर रहे थे तब एक शब्द का उपयोग उन्होंने बार बार किया जो हर हिंदी भाषी मसीही के मुंह में वो शब्द होना चाहिए, लेकिन सामान्यतया उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं देखता, और वो शब्द है स्वामी, मालिक। संसार के इस विश्व के सृष्टिकर्ता प्रभु से जब हम बात करते हैं या प्रभु के बारे में जब हम बात करते हैं तब हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि प्रभु मालिक हैं, स्वामी हैं। अक्सर गैर मसीही लोग इन बातों को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जब ग्वालियर में था तो वहां एक कुल्फी वाला था, बहुत जगत प्रसिद्ध कुल्फी, और यदि 5 लोगों को देने की उनकी कैपेसिटी थी तो 15 लोग एक साथ आके बैठते थे, और जब लेट हो जाता था, कुल्फी बांटने में देरी होती थी तो लोग नाराज होकर उठ खड़े होते थे, जाते थे। उस समय वो आदमी जो कुल्फी की दुकान चलाता था, करोड़पति, वो हमेशा कहता था, मालिक 2 मिनट और बैठिए। मतलब एक मनुष्य इस बात को पहचान रहा है कि उसके कस्टमर उसको भोजन दे रहे हैं, और इसलिए उसका कस्टमर उसका मालिक है, और वो उसको मालिक कहने से हिचकिचाता नहीं है। ग्वालियर के ही महाराजा जीवाजीराव सिंधिया थे जिनको उनकी प्रजा अन्नदाता कहती थी, लेकिन महाराज सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया जब प्रजा से बात करते थे तब प्रजा को अन्नदाता कहकर संबोधित करते थे। तो जब मनुष्य उन मनुष्यों को जो उनकी रोजी का साधन है, राजा की रोजी प्रजा है, प्रजा से चुंगी लेके ही राजा अपनी रोजी चलाता है, तो जब मनुष्य इस बात को समझता है कि जो उसको रोजी दे रहा है वो मालिक है या अन्नदाता है, तो मुझे और आपको जब हम इस विश्व के सृष्टा के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, और जब हम सृष्टा को अभिसंबोधित करते हैं तब ये शब्द बार बार हमारे मुंह से आना जरूरी है, स्वामी, मालिक, अक्सर नहीं आता है। आज भाई राजेंद्र ने कम से कम मुझे लगता है कि 8-10 बार उस शब्द का प्रयोग किया, सुन के मेरा दिल प्रसन्न हो गया, और मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने देश की के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जब हमें बार बार ये याद रखना होगा कि यदि हमें जीवित रहना है तो मालिक, स्वामी, स्वामी की ओर से सुरक्षा मिलना जरूरी है। आप कहेंगे कि सर जीवन तो इतना कड़वा है, जीवित रहने में क्या फायदा है। ये एक ऐसा वाक्य है जो सीधा उल्टा, इस तरह से उस तरह से मैंने सैकड़ों बार सुना है कि जीवन इतना कड़वा है, मैं जीना नहीं चाहता। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप इस तरह से बोलते हैं या मैं इस तरह से बोलते हैं
तो हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब यह है कि ये जीवन अर्थ शून्य है। प्रभु ने मुझे संसार में एक उद्देश्य के साथ रखा है, लेकिन मैं उस उद्देश्य को स्वीकार नहीं करता और मैं उस उद्देश्य के लिए जीना नहीं चाहता। और जब हम जीना नहीं चाहते तो फिर जीवन अर्थहीन, अर्थ शून्य हो जाएगा। तब हम जाने की कोशिश करेंगे। मैंने ये डिटेल जो बताया है इसका आज के हमारे अध्ययन से भी बहुत अधिक संबंध है। हम व्यावहारिक मसीही जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्री जी ने यह बात याद दिलाई, लेकिन व्यावहारिक जीवन से संबंधित उसके जो सैकड़ों पहलू है उसमें से एक पहलू का अध्ययन 3 हफ्ते से हम कर रहे हैं, आज भी करेंगे, और यदि प्रभु ने हमें मौका दिया तो हम आने वाले कई हफ्ते इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि 10 आज्ञाएं जो पुराने नियम में दी गई थी उनका हमारे व्यावहारिक जीवन से अटूट संबंध है। मतलब यदि कोई व्यक्ति व्यावहारिक मसीही जीवन बिताना चाहता है तो बिना 10 आज्ञाओं के ज्ञान के वो व्यावहारिक मसीही जीवन कतई नहीं जी सकता है। पहली आज्ञा का अध्ययन हमने 3 हफ्ते पहले आरंभ किया था, जहां हम देखते हैं मैं तेरा परमेश्वर हूं या मैं तेरा परमेश्वर प्रभु हूं। इस कारण नीति निर्गमन के 20वें अध्याय के 4वें पद में हमने देखा था, तुम अपने लिए कोई प्रतिमा, कोई रूप मत बना लेना, उसकी आराधना मत करना। इसका डिटेल में हमने अध्ययन किया था। आगे हमने 5वें पद में देखा था, जो मैं तेरा परमेश्वर बहुत अधिक जल जलाहट वाला परमेश्वर हूं, हिंदी अनुवाद जलन रखने वाला ईश्वर हूं कई बार गलत समझ लिया जाता है। यदि मेरा पड़ोसी मुझसे बड़ा मकान बना लेता है तो मुझे जलन होती है, कई बार इस अर्थ में हम उसको पढ़ते हैं। प्रभु का वचन जब कहता है मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु को हमारा जीवन देख के जलन होती है। संसार के सृष्टा को, मनुष्य के जीवन में जो चीजें हो रही उसे देख के जलन काहे को हो। वे तो पल भर में हमको मिटा सकते हैं, पल भर में उन्होंने हमको बनाया था। इस पद का मतलब है निर्गमन 20वें अध्याय के 5वें पद में जब हम देखते हैं मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं, तो उसका मतलब है मैं तेरा परमेश्वर जल जलाहट रखने वाला परमेश्वर हूं। तुमने यदि मुझसे दगा किया और मेरे बदले मनुष्य निर्मित प्रतिमाओं की आराधना शुरू कर दी तो उस जल जलाहट में 5वें पद में हम पढ़ते हैं जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। इसका अध्ययन हमने पिछले हफ्ते किया था। आज मैं आपके सामने अगला पद रखना चाहता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं। इतना काफी है अभी। हाँ, जैसा मैंने पिछले हफ्ते कहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु के बच्चे आज जो प्रभु के वचन के समक्ष बैठे हुए हैं वे लोग अपने साथ बाइबल ले आए होंगे। सभी लोग, कुछ लोग लेकर आते थे, मैंने अनुरोध किया था कि सभी लोग लेकर आए, उसके पीछे कारण है। जब हम चर्च में जाते हैं जो संदेश देता है वो बाइबल खोल कर पढ़ता है, फिर अपन क्यों खोलते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जो वचन सुनाया जा रहा है वो जब हम अपने सामने खोल के बैठकर उसको पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे दिमाग की गहराइयों में बैठ जाता है। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करे तो ये जरूरी है कि प्रभु का वचन सिर्फ हमारी आंखों के सामने ना हो, सिर्फ कान में ना हो, हमारे मन में गहराई तक बैठ जाए। और इसलिए जरूरी है कि हम में से हर व्यक्ति प्रभु का वचन लेकर प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए बैठे, और जब मैं पद सुनाऊं तो आप उसको अपने बाइबल से पढ़ें।
पिछले हफ्ते तक कई भाइयों ने और बहनों ने भी मैं जो पद पढ़ता था उसको पोस्ट करके मेरी मदद की, लेकिन मुझे तब यह प्रतीत हुआ कि सामने दिख रहा है इसलिए अपन काहे को बाइबल खोले, ये आदत हमारी हो गई है और इसलिए ये बेहतर होगा कि वे लोग पोस्ट ना करें, और उन्होंने मेरे अनुरोध के कारण आज पोस्ट नहीं किया है। मेरा अनुरोध ये था कि वे पोस्ट ना करें बल्कि आप सब पवित्र बाइबल अपने सामने खोल कर बैठें और देखें। निर्गमन के 20 के 6 में हम देखते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, हाँ, और आगे लिखा है जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। इसके पहले हमने देखा था जो मुझसे बैर रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक तरफ 5वें पद में प्रभु ने उन लोगों के बारे में बताया जो प्रभु से बैर रखते हैं, और प्रभु के विरुद्ध उनका जो बैर है प्रभु के बदले मनुष्य निर्मित वस्तुओं की आराधना के द्वारा वे लोग अपना बैर प्रकट करते हैं। उसका जस्ट ऑपोजिट है जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। जो बैर करते हैं उनके बेटे पोते पर पोतों को पितरों का दंड देता हूं। तो हमको लगेगा कि इसका मतलब यह है जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनके बेटे पोते पर पोतों को पितरों का अनुग्रह दिया करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। यहां लिखा है और जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ना बेटे हैं, ना पोते हैं, ना परपोते हैं, जो मेरी आज्ञा मानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं उन पर करुणा किया करता हूं। फर्क इस जरा नोट कर ले, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और एक बात और, यहां प्रभु ने लाखों क्यों नहीं कहा? जब प्रभु ने वचन दिया था उस समय दुनिया में जनसंख्या लाखों में थी। इवन प्रभु ने ये आज्ञा जिन इसराइलियों को दी थी उनकी संख्या लाखों में थी, लेकिन प्रभु ने यहां लिखा है उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। इसके पीछे एक कारण है, लाखों लाख लोग प्रभु का नाम लेते हैं, ये दावा करते हैं कि हम प्रभु की प्रजा हैं, लेकिन अक्सर उनमें से अधिकतर लोग इस तरह के होते हैं जो चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वे मनुष्य के द्वारा बनाए गए चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं, तंग रास्ते पर चलने वाले कम होते हैं। इसलिए लाखों को जो प्रभु ने संदेश दिया तो प्रभु ने ये कहा कि हजारों पर करुणा किया करता, जो मेरी मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं, क्योंकि प्रभु का नाम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग प्रभु से रियली वास्तव में प्रेम करते हैं और जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं उनकी संख्या हमेशा टोटल जो संख्या है उससे कम होती है। मैं फिर से याद दिला दूं प्रिय भाई और बहनों, ये जो 10 आज्ञाएं हैं ये जिस प्रजा को दी गई थी उनकी संख्या लाखों में थी, 20 लाख के करीब थे वो लोग, लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो मेरी आज्ञा मानते हैं उन लाखों को। क्यों? वे लोग प्रभु का नाम लेकर चलते थे, वे अपने आप को प्रभु की प्रजा मानते थे, लेकिन उनमें से हर व्यक्ति दिल ही दिल में मनी मन में प्रभु से ना तो प्रेम करते थे ना प्रभु की आज्ञा मानते थे। और इस कारण जब मूसा 40 दिन दिखाई नहीं दिया तो तुरंत उन्होंने गुलामी का जो देश था मिस्र देश, वहां का जो मुख्य देवता था बछड़ा, उसकी सोने की मूर्ति बनाई, उसके सामने उसकी आराधना की, नाचे और नशा किया, तमाम तरह के गलत काम किए। उसके साथ साथ उन्होंने एक प्रस्ताव किया, हे इसराइल, मतलब हे प्रभु के लोगों, तुमको गुलामी से जो प्रभु छुड़ा कर लाए थे वो प्रभु है, ये उस प्रभु की मूर्ति है, इवन मूर्ति है नहीं कहा, ये प्रभु है। तो लाखों थे लेकिन उनमें से सब प्रभु की आज्ञा नहीं मानते थे ना प्रभु से प्रेम करते थे। आज मुझे और आपको जब हम 10 आज्ञाओं का अध्ययन करते हैं या कर रहे हैं,
तब ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि मेरा मसीही जीवन सिर्फ मेरी जीभ तक सीमित है या उसके उससे अधिक मेरे दिल की गहराइयों में उतर कर मेरा आत्मिक जीवन है क्या। मैं वाकई में प्रभु से प्रेम करता हूं और प्रभु की आज्ञाओं को मानता हूं क्या। यहां क्यों जो मेरी आज्ञा मानते हैं उनके बेटे पोते और परपोते को अनुग्रह देता ऐसा क्यों नहीं बोला, इसके पीछे कारण है। जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं तब प्रभु के वचन से बहुत स्पष्ट एक बात दिखती है, खासकर न्यायियों की पुस्तक पहला शमूएल दूसरा शमूएल, पहला राजा दूसरा राजा, पहला इतिहास दूसरा इतिहास, एज्रा नहेम्या, इतनी पुस्तकों में यदि आप आप इसराइलियों का इतिहास देखें, इसराइली मीन्स परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा, उस प्रजा का इतिहास देखेंगे तो आप एक विशेष बात देखेंगे, वो ये है कि यदि माँ बाप अधर्मी हो तो बच्चे अपने आप अधर्मी हो जाएंगे, माँ बाप यदि कुकर्मी हो तो बच्चे अपने आप कुकर्मी हो जाएंगे, उनको बनाना नहीं पड़ता है, अधर्मी बनाना नहीं पड़ता है। माँ बाप यदि पतित हो तो बच्चे भी उसी तरह से पतित होंगे, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ता। लेकिन यदि माँ बाप पूरी तरह से समर्पित हो तो बच्चे अपने आप आत्मिक नहीं बन जाते। ये बहुत बड़ा अंतर है जो हम में से हर व्यक्ति को समझना होगा। यदि मैं और आप अपने जीवन में अधर्म से स्नेह करते हैं, जीभ से जरूर प्रभु की आराधना करते हो, लेकिन यदि हम मन ही मन अधर्म से प्रेम करते हैं तो हमारे बच्चे अपने आप अधर्म से प्रेम करेंगे, उनको उसके लिए कोई विशेष प्रकार की शिक्षा या ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। अधर्म एक रोग है, महारोग है, पाप एक महारोग है जो अपने आप फैल जाता है, लेकिन धार्मिकता अपने आप नहीं फैलती है, धार्मिकता अपने आप नहीं आती है। यदि आप अपने जीवन में धार्मिक हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे अपने आप धार्मिक हो जाएंगे। ये हम मैंने प्रभु के वचन से इतिहास की जो पुस्तकें हैं आपके सामने बताई उन पुस्तकों में एकदम साफ दिखता है। इसके अलावा पिछले 2000 साल का मसीही समाज का जो इतिहास है उस इतिहास का यदि हम विस्तार से अध्ययन करें तो बार बार एक बात देखते हैं कि यदि माँ या बाप दोनों में से एक व्यक्ति, दोनों का भी होना जरूरी नहीं है, माँ या बाप दोनों में से एक व्यक्ति यदि कुकर्मी हो, नीच हो, पाप से प्रेम करता हो तो उनके बच्चे, अधिकांश बच्चे अपने आप नीच कुकर्मी और पाप से प्रेम करने वाले निकलेंगे, उसके लिए किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत भयानक बात है, लेकिन पिछले 2000 साल का इतिहास एक बात बताता है कि यदि माँ बाप दोनों अपने जीवन में पवित्र हों, बच्चे अपने आप पवित्र नहीं होते, बच्चे अपने आप धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, पवित्रता के रास्ते पर नहीं चलते हैं। नीति वचन बार बार याद दिलाता है कि बच्चे के मन में मूढ़ता है और इस कारण उसको इस बात की शिक्षा बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से देनी है, जिससे कि वो ये समझ सके कि पवित्रता क्या है, अशुद्धि क्या है, और उस ट्रेनिंग के कारण वो सही रास्ते पर चलेगा। इसलिए अधर्म के बारे में जब प्रभु का वचन बोलता है तो बेटे पोते पर पोते के बारे में प्रभु का वचन कहता है
लेकिन जब धर्म के बारे में बोलते हैं तब सिर्फ एक पीढ़ी के बारे में बोलता है। क्यों? अगली पीढ़ी अपने आप पवित्र नहीं हो जाती, अगली पीढ़ी अपने आप प्रभु से प्रेम नहीं करती, अगली पीढ़ी अपने आप विशुद्धि को चुनती नहीं है। एक बहुत बड़ा पाठ है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, हम में से ज्यादातर लोग इस बात को या तो पहचानते नहीं है या नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको ये बात याद दिलाई थी, हम में से ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को जो चाहे पढ़ने देते हैं, जो चाहे देखने देते हैं, जो चाहे सुनने देते हैं, अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों यारों के साथ बैठकर दोस्त यार लोग जिस तरह से बहुत ही गिरी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे जब घर पे आके उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग टोकते नहीं हैं। और यदि एक व्यक्ति टोक भी दे तो दूसरा उसको टोकता है। मैंने कई बार देखा, बच्चा स्कूल गया, वापस आके स्कूल में उसने अपने साथियों से जो गाली सुनी थी या जो गंदा वार्तालाप सुना था, जब बच्चा आके उसको दोहराता है, डैडी कहते हैं, बेटा अरे ये क्या कह रहे हो, अपन लोग इस तरह की बातचीत नहीं करते, तो माँ तो फौरन टोक देती है, अरे जी तुम हमेशा उसको टोकते रहते हो, बच्चा है, जो सुनेगा वही तो बोलेगा, कल को जब बड़ा हो जाएगा तो वो छोड़ देगा। इसका उल्टा भी होता है, जब बेटा घर पे आके साथियों के द्वारा बोले गए जो अश्लील बात है उसको बोलता है, माँ टोकती है, पिताजी नाराज हो जाते, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, बच्चे को, बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो, बच्चा है, उसको अभी समझ कहाँ है, काहे को टोकती हो, कल को बड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप जो है छोड़ देगा। जो गलत बात है, जो अशुद्ध बात है, जो चीज हमारे अंदर जो पापी स्वभाव है उसको आकर्षित करता है, उसको अपने आप कोई नहीं छोड़ता है, बल्कि लोग उसके पीछे भागते हैं। और यदि आपको यकीन ना हो तो आज इस क्लास के हो जाने के बाद रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय खोलकर जरा उसको पढ़ लें। रोमियो की पत्री पहला अध्याय स्पष्टतया बताता है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, बल्कि अपने आप को अशुद्धि के हवाले कर दिया। ये मनुष्य का स्वभाव है। रोमियो की पत्री सातवें अध्याय के आखिर पोर्शन को पढ़ के देखिए, वो इसको और अधिक स्पष्ट करता है। तो जब स्थिति यह है तो मुझे और आपको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि बच्चा पैदा होने के समय से, बल्कि बच्चे के पैदा होने के पहले ही बच्चे को धार्मिकता का उपदेश स्टार्ट कर देना चाहिए। आप पूछेंगे कि ब्रदर, पैदा होने से पहले ही शिक्षा दे दी जाए, इस तरह का कोई मशीन या इस तरह की कोई तकनीक है क्या? इस तरह का कोई मशीन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही जगत में मैं ऐसे दर्जनों युवा दंपतियों को जानता हूं जो प्रभु के प्रति इतना समर्पित हैं या इतने समर्पित हैं कि जब उनको पता चलता है कि वाइफ गर्भवती है तो तब से वाइफ जब भी समय मिलता है प्रभु के वचन से गाने गाती ही रहती है। क्यों? उसको लगता है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो अधिकतम प्रभु के वचन से संबंधित बातें सुने। मैं ऐसे कई भाइयों को जानता हूं, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वे भाई लोग जबरदस्ती पत्नी को बैठा कर गाते थे प्रभु के वचन से, जो भी जैसा भी वो जानते थे, गलत सलत, लेकिन गाते थे कि हाँ पता नहीं सुन पाए या ना सुन पाए, लेकिन सुन रहा हो तो गर्भस्थ जो मेरा शिशु है वो प्रभु के वचन के इन गानों को सुन ले। इसलिए मैंने कहा कि बच्चे इस संसार में आए उसके पहले उसकी ट्रेनिंग चालू हो जानी चाहिए। आप पूछेंगे कि इस तरह से करेंगे
तो गारंटी है क्या कि वो कभी भी सही रास्ते से नहीं हटेगा? ये भी सोचने लायक बात है। यदि हम माँ बाप अपने जीवन पाप और अधर्म में बिताएं तो इस बात की गारंटी है कि बच्चे भी उसी रास्ते पर जाएंगे। लेकिन यदि हम बच्चों को धार्मिकता की ट्रेनिंग देंगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि 100% संभावना है कि उसमें से 90% या 80% लोग प्रभु के रास्ते पर आएंगे। कुछ लोग फिर भी प्रभु के रास्ते को छोड़ देंगे। लेकिन याद रखें, दोनों में से कौन सा चॉइस बेहतर है? एक तरफ आप अधर्मी जीवन बिताते हैं, 100% आपके बच्चे अधर्म के रास्ते पर चले जाएंगे। एक तरफ आप धर्मी जीवन बिताते हैं, कम से कम 60, 70, 80 या आपके 90% आपकी संतति प्रभु के रास्ते पर रहेंगे। तो इसलिए भाइयों और बहनों, जब प्रभु का वचन जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वहां पीढ़ियों की बात नहीं करता है, उसका कारण यह है कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी को आप ट्रेनिंग दें। और जब आप ट्रेनिंग देंगे और अगली पीढ़ी यदि प्रभु को चुनेगी, प्रभु उनको अनुग्रह देंगे। ये अंतर हमेशा मन में याद रखें। इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको याद दिला दूं। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से अधिकतम लोग ब्रदरन असेंबली इसके मेंबर्स हैं। ब्रदरन का मतलब है भाई लोग। आज से लगभग 125 साल पहले जब ये ब्रदरन आंदोलन चालू हुआ था, तब लोगों का जो आपसी प्रेम था उसको देखकर लोगों ने उसको ब्रदरन, भाई या भाईचारा नाम दिया था। आरंभ से ही ब्रदरन जो विश्वासी लोग हैं उनके बीच में कुछ आदतें रही हैं। ये आदतें अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए रही हैं। कई दशाब्दियों के बाद हम में से कई लोग इन आदतों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज इनमें से कुछ आदतें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये कुछ ऐसे अनुशासन थे जो हम अपने बच्चों को बताते थे, ट्रेनिंग देते थे, जिसमें से एक अनुशासन या एक आदत ये थी कि बच्चे माँ शब्द बोल सके उसके पहले ही बच्चों को प्रभु के वचन का पद या वचन के पद बार बार सुनाया जाता था, जिससे कि मम्मी या डैडी बोले उसके साथ साथ वो प्रभु के वचन के इन पदों को भी बोल सके। और उसके लिए कुछ खास पद थे, जैसे परमेश्वर प्रेम है, सिर्फ 3 शब्द है, बच्चा उसको बड़े आराम से याद कर सकता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, 4 शब्द। इस तरह से बच्चे बोलना चालू करें उसके पहले ही प्रभु के वचन के पदों को याद दिलवाना ब्रदरन मंडली में शुरू से ही माँ बाप की आदत रही है। और ये जो आदत रही है इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा कारण था, और वो कारण ये था कि बच्चा बोलना सीखे तभी से हम उसको उसकी वाणी को प्रभु की वाणी से भर दें, जिससे कि अधर्म के रास्ते पर जाने के लिए उसका मोह कम हो जाए। और यदि मोह हो भी जाए तो प्रभु का वचन उसके दिल को कुरे दे, जिससे कि वो सही रास्ते पर चल सके। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं जब बच्चा था तब बचपन से बाइबल के पद याद दिलवाए गए। और एक जब ऐसी उम्र आई जब उन पदों को मैं मुंह जवानी बोल सकता था, तो हमारे परिवार में यह कठोर नियम था शाम के समय चटाई बिछा के बच्चे लोग जमीन पर बैठ जाएं। छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक जितने पद उनको याद हैं वे सारे पद सुनाएं। तो छोटी बहन 3-4 पद जानती थी, सुनाती थी। मैं 8-10 पद जानता था, उन पदों को मैं बोलता था। माँ रसोई में काम करते समय ये सब सुनती जाती थी। उसके बाद ये पहले छोटी बहन घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी, और वो भी कैसा घुटना टेकना है, जिस तरह से मुस्लिम्स घुटना टेकते हैं, वो है असली घुटना टेकना।
मैं भी उस बहन प्रार्थना करे, उसके बाद घुटनों पर खड़ा मैं जो था मैं भी प्रार्थना करूं। ये जब तक बच्चे नहीं कर लेते थे तब तक शाम का भोजन नहीं मिलता था, दाल रोटी नहीं मिलती थी। यदि बच्चा माँ बाप से झगड़ा करके नहीं नहीं आज तो मैं नहीं सुनाऊंगा बोल देता था तो कड़ाई से इस नियम का पालन होता था, नहीं सुनाओगे ठीक है जाओ बेटा बिस्तर पे जाके सो जाओ। यदि प्रभु का वचन नहीं, प्रार्थना नहीं, तो भोजन भी नहीं। ऐसे कड़े अनुशासन में ब्रदरन मूवमेंट जब से चालू हुआ है तब से ऐसे कड़े अनुशासन में बच्चों का पालन पोषण होता था। उसके बाद बच्चे जब बाइबल पढ़ने की उम्र में आ जाते थे तब शाम को जो बच्चे पढ़ नहीं सकते वे उनको जो पद याद है उसको सुनाते थे, और जो बच्चा पढ़ सकता था वो बाइबल से एक अध्याय पढ़ता था, और वो भी चुने हुए अध्याय नहीं, भजन संहिता नहीं, नीति वचन नहीं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते थे। आप पूछेंगे कि बाप रे ये बच्चे लोग कैसे पढ़ते होंगे, जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ते थे, टूटी फूटी भाषा में, लेकिन पढ़ते थे। उसका परिणाम क्या होता था कि एक उम्र होते होते प्रभु का वचन उनके मन में जम जाता था। मध्य प्रदेश में एक कहावत है, रसुरी आवत जावत है परे सिल पर निशान। अगली पीढ़ी के लोगों के लिए समझना काफी मुश्किल है। कुओं पर पत्थर के पाट डाल दिए जाते थे और उस पर रस्सी ऊपर नीचे आती थी, तो रस्सी जहां पर आती जाती थी वहां पत्थर पर निशान पड़ जाता था। रसुरी आवत जावत है मतलब रस्सी आती जाती है, परे सिल पर निशान मतलब शिला पर या पत्थर पर निशान पड़ जाता था। ये प्रिंसिपल है, ये इसके पीछे बच्चों को बचपन से प्रभु का वचन समझे या ना समझे उसका पाठ करवाया जाए तो धार्मिकता के प्रति उनका झुकाव अधिक होगा। मैं एक ऐसी मंडली का सदस्य हूं जहां बहुत सारे माँ बाप इसका ख्याल रखते हैं। आपको ताज्जुब होगा मेरी मंडली में जो बच्चे सबसे अधिक पद याद करते हैं कितना याद करते होंगे, आपको क्या लगता है? 10, 20, 50, 100, 500? आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं 500 पद? मेरी मंडली में ऐसे कई बच्चे हैं जो 1000 से ज्यादा पद याद कर चुके हैं। बाकायदा यहां पर वो लोग चर्च में उसकी परीक्षा होती थी, जब एक एक बच्चे को दो दो जज दिए जाते थे जिनके सामने बैठकर दोपहर से लेकर रात तक वो पदों को सुनाता था या सुनाती थी। आप कहेंगे ओ बच्चों की मेमोरी पे कितना भार पड़ता होगा। सिर्फ परमेश्वर के वचन के पदों को याद करने के लिए ही उनके दिमाग पर भार पड़ता है क्या? बाकी दुनिया भर की बातें वो लोग याद करते हैं तब भार नहीं पड़ता क्या? हमको हमारे जीवन में क्या चीज, किन चीजों को पहला स्थान देना है, ये बहुत गंभीरता से सोचना होगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यदि मेरी मंडली में 8-10 बच्चे प्रभु के वचन के 1000 पदों को मुंह जवानी सुना सकते हैं तो आपकी मंडली में भी सुना सकते हैं। प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना केवल मंडली के अगुवाओं का प्रोत्साहन बल्कि माँ बाप का प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस तरह से जब हम बच्चों को बचपन से प्रभु का वचन पैदाइश से पहले स्टार्ट करके जब बच्चों के मन में प्रभु का वचन भर देंगे तब उनमें से काफी सारे लोग धार्मिकता और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, और तब ये जो पद हमने पढ़ा है, जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते उन हजारों पर करुणा किया करता हूं,
हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लाखों लोगों के बीच में मैं और मेरे बच्चे उन हजारों में हों जिन पर प्रभु करुणा करें। लेकिन हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पर फूहड़ता, अश्लीलता, दुनियावी बातचीत को और दुनियावी व्यवहार को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, उनसे मैंने कम से कम 100 बार ये कहानी सुनी है। मेरे 6 बच्चे हैं। बड़े बेटे से मैंने पूछा कि तू जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? उसने कहा मैं नौकरी करूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, बड़ा मकान बनवाऊंगा, मम्मी डैडी आपको सबसे बड़े कमरे में रखूंगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, छठे बेटे से मैंने पूछा कि तू जब बड़ा हो जाएगा क्या करेगा? तो उसने कहा मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तू माँ बाप को अपने साथ रखेगा क्या? छोटे बेटे ने कहा अरे जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो मैं तुमको क्यों देखूंगा, डुकरा डुकरिया की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी। उसके बाद ही करके वो भाई साहब हंसते हैं अपने छोटे बच्चे की बढ़ाई करते हुए। मतलब जो बड़ा बेटा प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है उसकी प्रशंसा करने के बदले, वो छोटा बच्चा जो अभी समझने लायक नहीं हुआ है वो नीच बात कर रहा है और उस नीचता की प्रशंसा कर रहे हैं और बेटे के सामने प्रशंसा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो नीच ही निकलेगा। एक और घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग छोटी बातों का महत्व नहीं जानते हैं। आज से कुछ साल पहले मैं एक रेडियो रिकॉर्डिंग के लिए दिल्ली गया। एक शाम को एक भाई बहन, एक 3 साल का बच्चा होगा, 3 या 3 से कम साल का होगा, मुझे विजिट करने के लिए आए मेरी बहन के घर में। तो ऐसे ही हाय हेलो के दौरान बच्चे के मम्मी डैडी ने कहा आपको एक विशेष बात दिखाते हैं, एक विशेष बात दिखाते हैं। मैंने सोचा कि क्या बात है विशेष, ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने कहा हमारे बच्चे से जरा नाम पूछिए। तो मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो उसने मेरे चेहरे पर थूक दिया और थूकने नहीं छोड़ा, दोबारा थूका, तीसरी बार थूका। तो माँ बाप जो हाय करके मेरे सामने हंस पड़े मूर्खों के समान। मैंने पूछा कि क्यों, आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोले कि कोई भी हमारे बेटे से नाम पूछता है तो इतना प्यारा सा बच्चा है सबके मुंह पे थूक देता है। सच कहा जाए तो पहले उस बाप को एक थप्पड़ देना चाहिए, उसके बाद उसकी माँ को एक थप्पड़ देना चाहिए। बच्चा तो बहुत छोटा है, वो समझता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि आप 2.5-3 साल के बच्चे को ऐसे लोगों के मुंह पर थूकना सिखा रहे हैं जो प्रभु के दास हैं, और यदि वो प्रभु के दास के मुंह पर थूकता है और माँ बाप ही करके हंसते हैं तो वो बच्चा क्या सीखेगा? वो ये सीखेगा कि कल को प्रभु के दास को लात मार दो तो बहुत बड़ी बात होगी, और यदि प्रभु के दास को लात मारा जा सकता है और यदि उसके मुंह पर थूका जा सकता है तो समाज में किसी को भी लात मारा जा सकता है, किसी को भी थूका जा सकता है। और फाइनली वो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब डुकरिया जब बूढ़े हो जाएंगे तब उनके मुंह पर थूक के उनको घर के बाहर निकाल दें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि यही तो मम्मी डैडी ने ट्रेनिंग दी। प्रिय भाई और बहनों, छोटी से छोटी बातों में बच्चों को धार्मिकता का उपदेश देना जरूरी है। ये माँ बाप उस बच्चे को गलत बात सिखा रहे हैं, वो अपने भाई या बहन के ऊपर नहीं, एक गैर व्यक्ति के ऊपर थूक रहा है। इवन भाई बहन के ऊपर थूकना भी मना है। हम कब थूकते हैं? या तो मुंह में कफ बहुत ज्यादा आ गया हो, या किसी व्यक्ति को देखकर, उसके हीन कृत्य को देखकर थूकते हैं कि थू है तुम्हारे इस कर्म पर। मैंने सिर्फ 2-3 उदाहरण आपको बताए हैं जिससे कि इसके आधार पर आप जरा अच्छी तरह से सोचें कि हम
अपने बच्चों के ऊपर क्या नमूना रख रहे हैं, क्योंकि जो नमूना रख रहे हैं वो उनके जीवन को सदा सर्वदा प्रभावित करेगा। यदि गलत नमूना रख रहे हैं तो अपने आप वो गलत रास्ते पर चल देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही नमूना रखेंगे, यदि कल रखा था, आज रखा है और कल रखेंगे, तो उनमें से बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं, बहुत सारे लोग प्रभु के रास्ते पर चलेंगे। वे लाखों के बीच में ये हजार होंगे जो प्रभु से आशीष पाएंगे या अनुग्रह पाएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब शास्त्री जी ने ये बात बताई कि हम व्यावहारिक जीवन का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो व्यावहारिक जीवन से 10 आज्ञाओं का अटूट संबंध है। 10 आज्ञाओं को सीधे परमेश्वर ने दिया और उसमें हर शब्द, हर वाक्य हमारे ध्यान देने के योग्य है। ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस विश्व के रचयिता ने डायरेक्टली ये बात हमको बताई है। प्रभु ने मदद की, तो आने वाले हफ्तों में भी हम 10 आज्ञाओं का अध्ययन जारी रखेंगे। प्रभु से मेरी याचना है, मेरी विनती है कि प्रभु इन संदेशों के द्वारा मुझसे और आपसे बात करें, जिससे कि हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से चला सके, जिसके द्वारा उन लाखों के बीच में हमारी संख्या उन हजारों में गिनी जाए जो प्रभु का आशीष पाने के लिए तैयार है और जिनको प्रभु अपने आशीष के योग्य जाने। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सब पर अपना अनुग्रह दें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।